हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड क्लासेस। देखिए, हमने बीएड का जो सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है सेमेस्टर फर्स्ट का, ये मैं सेकंड यूनिट करवा रही हूँ पांचों सब्जेक्ट्स के। अब देखिए, अब इंक्लूसिव एजुकेशन का ये फर्स्ट यूनिट का एक सब यूनिट था बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या क्या बैरियर्स होते हैं, देर आर बैरियर्स मीन क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या ऑब्स्टैकल्स आते हैं। देर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्स्टैकल्स दैट एक्ट्स एज बैरियर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। दे आर बोल्डली डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज। बोलते जो बैरियर्स हैं, जो ऑब्स्टैकल्स आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के में, वो तीन क्लासेस में डिवाइड हैं, दैट इज़ सोशल बैरियर्स, एजुकेशनल बैरियर्स, देन इकोनॉमिक बैरियर्स। कितने बैरियर्स हैं? थ्री बैरियर्स हैं, सोशल बैरियर्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैरियर्स। चलिए अब देखिए, सोशल बैरियर्स, सोशल बैरियर्स में नंबर वन देखिए नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो द ग्रेटेस्ट बैरियर टू इंक्लूजन और कास्ट बाय सोसाइटी, नॉट बाय पर्टिकुलर मेडिकल इम्पेयरमेंट। नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड डिफरेंस इज रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन एंड कैन लीड टू अ सीरियस बैरियर टू लर्निंग। बोलता है जो क्या होता है, जो सोसाइटी में लोग होते हैं उनका जो होता है इंक्लूसिव, जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो डिसेबल चिल्ड्रंस होते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है, उनकी तरफ हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड रहता है। तो इससे क्या होता है, ये क्या है, नेगेटिव बैरियर है, नेगेटिव एटीट्यूड पड़ता है बच्चे के लर्निंग के ऊपर जो डिसेबल होता है, ये बहुत ही बड़ा मेन कॉज है। देन सोसाइटी थिंक्स दैट डिसेबल चिल्ड्रन के नॉट सेल्फ रिलायंट एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हमेशा जो सोसाइटी के लोग होते हैं जिनके घर में बच्चा ऐसा है डिसेबल, वो तो नहीं सोचेंगे बट उसको बोलेंगे नहीं, बट जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, हंसते हैं, तो उससे क्या होता है, वो बोलते हैं कि ये तो सेल्फ रिलायंट स्टूडेंट नहीं है, ना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकता है, इसे क्यों स्कूल भेज रहे हैं। वो उसका मॉरल डाउन करते हैं, उसको ये नहीं से मोटिवेट करें, उसको डिमोरलाइज करते हैं उस बच्चे को। फिर उस बच्चे की जो थिंकिंग है ना, वो ऐसी क्रिएट हो जाती है कि हाँ वाकई में बाकी जैसा नहीं। That the negative attitudes many cause social discrimination generally due to separate section of society based on disability of individual. So negative thinking रखते हैं, attitudes रखते हैं, तो वो उनको separate करते हैं सबसे अलग। कुछ तो parents ऐसे होते हैं वो अपने बच्चे के साथ तो disabled children को मिलने गुलने में देते हैं, बैठने उठने के, अगर क्लास में तेरे को ऐसा चिल्ड्रन है तो उसे दूर रहना क्योंकि तेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। देन रिगार्डिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, सम रिलीजन स्टिल बिलीव्स एजुकेटिंग डिसेबल्ड पॉइंटनेस। देन इफ टीचर्स डू नॉट हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्नर्स स्पेशल नीड्स, अगर क्लास में टीचर का भी नेगेटिव बिहेवियर है, नेगेटिव एटीट्यूड है, तो बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ता है। तो हमेशा टीचर का क्लास में इक्वलिटी होनी चाहिए हर स्टूडेंट के लिए टीचर को। देन पेरेंट्स हैव आल्सो हैव नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस एंड टेक दैम एज लेबिलिटीज, दे सीम टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली टू सेंड इन स्पेशल एजुकेशन स्कूल बट नॉट प्रॉपर वेलफेयर। एजुकेशन फॉर गर्ल चिल्ड्रन नॉट सीन एज ए प्रायोरिटी विद इन सम पार्ट ऑफ सोसाइटी। बोलता है कि कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे की तरफ रखते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलता है गर्ल्स के लिए तो भी ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए प्रायोरिटी, बट कुछ स्टेट्स में या कुछ सोसाइटीज़ में अभी ऐसा नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडाइसिस। देन सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स आ गए। कुछ सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या हो गया कि इनएडिकेसीज एंड इनइक्वलिटीज होगी, जो इनइक्वलिटी करते हैं कुछ लोग, हैव सस्टेन पॉवर्टी एंड हाई लेवल्स अनएम्प्लॉयमेंट। देन इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस स्कूल, मतलब सोशल इकोनॉमी में कुछ फैमिली का होता है गरीब होते हैं घर वाले, वो बच्चे अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो पॉवर्टी के कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण भी कुछ होता है। इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस एड्स एंड एचआईवी कैन आल्सो एडवर्स, ये एड्स एंड वर्स ये भी एक बैरियर है। देन पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंडिया, जो पॉवर्टी है बहुत इम्पॉर्टेंट मेन एक वो है इफेक्टिंग है फैक्टर है। सोशल रिजिडिटी, देन लैक ऑफ पेरेंट्स नॉलेज, अपेरेंट्स कुछ पेरेंट्स पढ़ लिखे नहीं होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा वो है, लैक ऑफ पेरेंट्स नॉलेज अवेयरनेस। इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर भी बच्चों के डिसेबल चिल्ड्रंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती है। सेक्सुअल अब्यूज़, देन देखिए सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया। फिर देन देखिए एजुकेशनल बैरियर्स क्या होते हैं, एजुकेशनल बैरियर्स में अगर फिजिकल बैरियर्स, इनएसेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, इन्वायरमेंटल बैरियर्स इंक्लूडेड डोर्स, पैसेज वेज, स्टेयर्स, रैम्स एंड रिक्रिएशनल एरियाज, ए मेजर प्रॉब्लम इंडिफाइड मैनी स्टूडेंट्स फिजिकल गेटिंग इन टू स्कूल। बोलते अब एजुकेशन बैरियर्स होता है स्कूल्स में कुछ क्या होता है, स्टेयर्स होते हैं, कुछ बिल्डिंग्स ऊपर होती हैं, नीचे ऐसे रूम्स होते हैं, वहाँ डोर्स होते हैं, कुछ जो हैंडीकैप होते हैं वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए दी बेस्ट मेजॉरिटी सेंटर ऑफ लर्निंग और फिजिकली इनसेबल मैनी लर्नर स्पेशली फिजिकल फैसिलिटी, इसलिए डिसेबल चिल्ड्रंस के लिए एक ऐसा स्कूल प्रोवाइड होना चाहिए वहाँ उनकी पूरी देख रेख की जाए, तो उनको हर एक फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड हो जाए। देन लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, ट्रेन टीचर्स की भी कमी है, मतलब ऐसे बच्चों के लिए जो टीचर हो बिल्कुल ट्रेन हो,
उनको ऐसा फील ना हो कि वो डिसेबल हैं, और इफेक्टिवली इन्वायरमेंट मतलब कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट उनको पढ़ाए. द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग दी स्पेशल एजुकेटर्स जनरल टीचर्स एडमिनिस्ट्रेटर एनजीओज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज. देन करिकुलम इन करिकुलम इज मेन वन ऑफ द मेजर ऑब्स्टेकल आर टूल्स दैट फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ द मेजर इंक्लूसिव सिस्टम. करिकुलम इज ऑफन अनेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द सीडब्ल्यूएसएन. देन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पॉलिसीज एज बैरियर्स, ये एजुकेशनल बैरियर्स में आता है. एग्जामिनेशन सिस्टम उनके लिए जो है वो भी होना चाहिए अलग तरीके का. कंडक्ट ऑनट्री ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन बैरियर्स. देन नॉन रिकॉग्निशन एंड नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स. देन इकोनॉमिक बैरियर्स, इकोनॉमिक बैरियर्स में देख लीजिए आप क्या आते हैं. मेजर कंस्ट्रेंट ऑफ सीरियस शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू लैक ऑफ फंड, लैक ऑफ स्कूल्स एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ टीचर्स, लैक ऑफ शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ, लैक ऑफ लर्निंग मटीरियल्स, एब्सेंस ऑफ सपोर्ट. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये देख लीजिएगा यहाँ तक. लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ड्यू टू फंड प्रॉब्लम्स इज ऑल्सो अफेक्टिंग द इंक्लूसिव एजुकेशन. देन टू मैनी रॉन्ग टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन बी बेरियर्स टू फंडिंग. समटाइम्स एक्सटर्नल डोनर फंडेड द क्रिएशन ऑफ स्मॉल यूनिट विच रिजल्ट इन टू सेग्रीगेशन व्हाइल स्कूल इज स्ट्राइविंग टू बी इंक्लूसन. देख लीजिएगा इंक्लूसिव एजुकेशन के जो बैरियर्स हैं ये. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.